हेलो फ्रेंड्स, तो चॉकलेट कलर्ड गनाज बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम वाइट कंपाउंड वाइट चॉकलेट जो आता है, और 33 और 34 ग्राम है ये। मैंने अभी विप क्रीम यूज़ की है, आप इसके बदले अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान इतना देना है कि आपकी जो क्रीम है ये रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, और अगर आपने ये फ्रिज में रखी हुई है, अगर आपको टाइम नहीं मिला इसको रूम टेम्परेचर पर लाने का, तो इस क्रीम को हम पहले गर्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें ये चॉकलेट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल बॉयलर की हेल्प से इसको पहले गर्म करूँगी। तो यहाँ हमारी क्रीम पहले हम गर्म कर रहे हैं। अगर हम ठंडी क्रीम में चॉकलेट डाल देंगे तो उससे गुठलियाँ बन जाती हैं, तो फिर वो उतनी जल्दी ठीक से मेल्ट नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम या तो रूम टेम्परेचर की क्रीम यूज़ करेंगे या फिर पहले क्रीम को ही वॉर्म करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब तक हमारी क्रीम गर्म हो रही है, वाइट जो गनाश बनाते हैं, वाइट गनाश या फिर कलर्ड गनाश, उसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1, 3 पार्ट चॉकलेट का और 1 पार्ट क्रीम का। जैसे अगर हम 150 ग्राम वाइट कंपाउंड ले रहे हैं वाइट चॉकलेट, तो 50 ग्राम हम लेंगे क्रीम। या फिर अगर आप कप के अकॉर्डिंग मेज़र करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये वेइंग स्केल नहीं है, किचन स्केल जो होता है, तो अगर आप 1 कप वाइट चॉकलेट ले रहे हैं तो 1/3 कप आप लेंगे क्रीम। तो यहाँ पे क्रीम को हम टच करके देख सकते हैं, ये गर्म हो चुकी है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी चॉकलेट। और इसको हम क्रीम में अच्छे से डिप करके मिक्स करेंगे। वैनिलियर और 2M का जो ब्रांड है उसमें वाइट कंपाउंड मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं कंपेयर टू मॉर्डे। मॉर्डे का जो वाइट कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, उसमें लम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास वैनिलियर या 2M का ऑप्शन है, अगर वहाँ पर मिल रहा हो आपके आसपास, तो वो ही ब्रांड लें। चम्मच से इसको प्रेस कर कर के जो इस चॉकलेट है उसको अच्छे से मेल्ट करने की कोशिश करें। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से ये छोटे छोटे चॉकलेट के जो पार्ट्स हैं ये रह जाते हैं, वो बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ मैं गैस की फ्लेम बंद करूँगी, और अब इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, कि अगर हम किसी चीज़ में इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से चॉकलेट के पार्ट्स दिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए हम एक बाउल में इस गनाश को छान लेंगे। जो डार्क चॉकलेट का गनाश बनता है उसमें दिक्कत नहीं आती है ये वाली, उसमें हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर वाइट गनाश को आप हमेशा छान के ही लें। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको प्रेस कर करके इसको भी छान सकते हैं इससे। और अब ये जो गनाश बना है ये अच्छा एकदम स्मूथ गनाश बना है। अब हम इसमें, आपको जिस भी कलर का गनाश बनाना आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं शेफ़ मास्टर का रेड कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेड गनाश चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 ड्रॉप रेड कलर डाले। आपको जितना लाइट या जितना डार्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके उतने ड्रॉप्स डालें। और ये देखिए, इसका अच्छा रेड कलर आ गया है। इसमें भी शाइनिंग आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से शाइनिंग है, पर अगर आपको इसमें और शाइनिंग चाहिए, अगर हम इसको किसी केक के ऊपर पोर करेंगे एज ए डेकोरेशन, तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और शाइनिंग आए, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी 1 चम्मच न्यूट्रल ग्लेज। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसकी जो शाइनिंग है वो डबल हो जाती है न्यूट्रल ग्लेज की वजह से, और इसको थोड़ा सा ये और ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद हम इसे डालेंगे केक के ऊपर। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। केक डेकोरेट करने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ऊपर की जो लेयरिंग होती है, डिज़ाइन होता है, वो कई बार होता है कि जो बेसिक से जो शुरू करते हैं बेकिंग वो उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो वो इस गनाश को केक के ऊपर इस तरीके से पोर करें, एकदम मिरर ग्लेज और एकदम फिनिशिंग के साथ शाइनिंग आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।